कहते हैं ना, माता का बुलावा जब आ जाए तो औरत खुद ब खुद बन ही जाता है। इत्तेफाक की बात है, प्लान ऐसा कुछ भी नहीं था। एक सुबह अचानक उठा और मूड ही बदल गया और निकल पड़े रास्तों पे बाइक दबाए। रांची से करीबन 60 किलोमीटर दूर माँ देवरी मंदिर, जो एक माता का मंदिर है, जो वर्ल्ड वाइड फेमस तो नहीं पर वर्ल्ड के सबसे कूल कैप्टन जिन्हें हम MS धोनी के नाम पे जानते हैं, उनका ये फेवरेट मंदिर है। वो इसलिए क्योंकि कोई भी बड़ा मैच खेलने से पहले एक बार यहाँ जरूर हो आते थे और आज हम भी वहीं जाने वाले। तो वेलकम है आप लोग सबका हमारे वीडियो में, जो कि आज हम लोग देवड़ी मंदिर आए हैं, जो कि यहाँ पे माता का मंदिर है जहाँ पे पूजा किया जाता है। और हम लोग अभी तो बस राइड करके आ रहे हैं, तो शक्ल सूरत में कोई गारंटी नहीं कैसा दिख रहा होगा। काफ़ी थोड़ा सा हरासमेंट हो जाता है ट्रैवल करने से, और बाकी यहाँ आने के बाद जो देखते हैं कैसा फील होता है, क्या यहाँ पे, यहाँ के बारे तो आप जानते ही होंगे, काफ़ी सुने भी होंगे। ये जगह आपका जो हमारा सबसे बड़ा क्रिकेटर पूरे इंडिया का है वो है महेंद्र सिंह धोनी, जो कि पूरे वर्ल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये साल में 2 से 3 बार यहाँ आते ही आते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का स्पेशल क्या है। मंदिर के अंदर जाते ही एक सुकून सा आ गया, क्योंकि कुछ पुरानी यादों से जुड़ा ये माता का मंदिर जो आ गया। लाइन में आए हुए हैं, देख सकते हैं कि आप जब भी यहाँ पे साल में कभी भी आओ, आपको हमेशा यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। आप लोग काफ़ी मन्नतें मांगते हैं यहाँ कि आपका साल के 2 से 3 दिन आप यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी को देखोगे, क्योंकि काफ़ी उनका श्रद्धा जुड़ा हुआ है यहाँ से। हर बार कुछ नया कुछ मांगते हैं या तो फिर मन्नत रखते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आते हैं पूजा करने के लिए। साफ तौर से देख के समझ सकते हैं कि यहाँ का जो आर्किटेक्चर है काफ़ी ज़्यादा पुराना है, जो कि पत्थरों से बनाया गया है यहाँ का आर्किटेक्चर। और यहाँ आप साल में कभी भी आओ, आपको हमेशा लोग आते जाते मिलेंगे ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे श्रद्धा जुड़ा हुआ है लोगों का। इंतजार का फल मीठा होता है, ये कहावत अक्सर मंदिरों में लाइन पे खड़े होने के बाद ही समझ आता है। देखने और कहने के लिए ये बस एक धागे है, पर कलाइयों में आने के बाद विश्वास की तरह हमेशा हाथों को थामे रहते हैं।
पूजा करके अब हम लोग निकल चुके हैं और आसपास का मार्केट देख रहे हैं कैसा क्या है और क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी है या तो फिर क्या क्या खरीदने को मिलता है, जो कि फैमिली वाले अक्सर डिमांड करते हैं कि अगर कहीं गए हो तो कुछ ले आना हमारे लिए। बाकी फिलहाल तो प्रसाद खा के हम लोग टाइम पास कर रहे हैं और साथ ही साथ देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या है। वैसे तो बहुत पुराना मंदिर है जो कि आप देख सकते हो, काफ़ी श्रद्धा जुड़ा हुआ है लोगों का यहाँ पे काफ़ी। वैसे तो यहाँ पे मेरा ये थर्ड विज़िट है, इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ, ये मेरा तीसरा विज़िट होगा शायद, उसके लिए भी याद करना पड़ेगा। इत्तफाक से जुड़ा दीदी से जो हमें माता के पास ले आए, किसी बहाने खूबसूरत से जगह को कुछ पलों के लिए कैद तो कर पाए, जिसको लेके अब हम साथ जा रहे हैं।